Welcome back, students, to the solution series of set theory NCERT class 11th mathematics. अब एक्सरसाइज जो 1.2 है उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ. अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं. अब इसमें भी टोटल 6 क्वेश्चन है. अब इसमें जो कंसेप्ट यूज है वो कंसेप्ट है कि किसी ही सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे. जैसे अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको नल सेट, जिसको 5 सेट नोट करते हैं. ओके, अगर जो सेट्स में एलिमेंट है वो लिमिटेड नंबर में हम काउंट कर सकते हैं तो उसको फाइनाइट सेट, अगर काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट सेट्स. ओके, और उसके साथ साथ इक्वालिटी ऑफ सेट पे भी इसमें क्वेश्चन है. चलिए 6 क्वेश्चन है, जल्दी से मैं इसको कर दे रहा हूँ. आपको अगर इसके कंसेप्ट रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कुछ वैल्यूबल लिंक मिल जाएगा और सेट थ्योरी का भी पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास 4 क्वेश्चन दिए हुए और आपको बोला गया है कौन कौन में से नल सेट है. नल सेट या वॉइड या एम्प्टी सेट सब एक ही है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो. तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. क्वेश्चन ही देख के लग रहा है भैया ऑड नंबर पूछ रहे हो और वो डिवाइड होने वाला है 2 से, कभी नहीं. तो इसीलिए जो आपका फर्स्ट है वो क्या है, वो एक एम्प्टी सेट है या आप बोले नल सेट है. क्यों, समझ गए? क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर वैसे सेट्स होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो. आपको बोल ही रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए, ये दोनों किसी एक नंबर के साथ नहीं हो सकता, इसलिए नल सेट है. सेकंड आप देखें, सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. तो ये एक नल सेट नहीं है. इवन प्राइम नंबर आप देखेंगे तो प्राइम नंबर सब ऑड होता है एक्सेप्ट 2. 2 जो है वो 2 एक इवन प्राइम नंबर है. तो इवन प्राइम नंबर है यानी इसमें एक एलिमेंट तो है कम से कम 2, इसलिए ये जो सेट हुआ ये नल सेट नहीं हुआ, इसमें एक एलिमेंट है, इसलिए इसको सिंगलटन सेट आप बोल सकते हैं. ओके, या नॉन एम्प्टी सेट है आप सिंपली समझिए. तीसरा, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर. और वो नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, 7 से ज़्यादा होना चाहिए. भैया 5 से कम आएगा 4 3 2 1, 7 से ज़्यादा आएगा 8 9 10. तो इसके बीच में कोई कॉमन दिख रहा है नहीं, इसलिए ये भी एक नल सेट है. समझे क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा अवेलेबल नहीं है जो 5 से कम भी हो और उसके साथ साथ उसी टाइम में 7 से बड़ा भी हो, या तो 5 से कम होगा या 7 से बड़ा. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बोला है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट. एक वाई है, पॉइंट है वाई, वो क्या है, वो कॉमन है किसके, 2 पैरेलल लाइन का. अब पैरेलल लाइन का डिफिनेशन ही होता है कि ऐसे 2 लाइन जिनके बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट हो, इसके कारण कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी मिलते नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो कॉमन कैसे होगा. कॉमन का मतलब है जो पॉइंट दोनों पे हो. तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन में हो सकता है 2 लाइन जब मिले, पर 2 पैरेलल लाइन जो कभी मिलते ही नहीं है. ओके, तो उस कंडीशन में तो कॉमन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये नल सेट. तो आपको पूछा था कि कौन कौन इनमें से नल सेट है, तो 1 फर्स्ट आपका 3rd और 4th ये नल सेट है. क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड आप अगर देखिए उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें बोला गया है कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट. पहला है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर. तो हम जानते हैं कि ये जो है ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो काउंटेबल है, वो 12 है हमारे पास, ये हमको पता है, तो इसलिए एक फाइनाइट सेट है. ओके, आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है. 12th सेकंड दिया हुआ है आपको, इसमें डायरेक्ट ही आंसर लिख देना है, इसमें कोई आपको टेंशन लेना ही नहीं है. सिंपल क्वेश्चन है, ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं. पहला दिया हुआ है, उसके सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें 1 है 2 है 3 और इनफाइनाइट में चल रहा है. तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं. मैं अगर बोलूं कि आप काउंट कर सकते हैं क्या, इसमें लिमिटेड है क्या लिमिटेड, तो आप बोल सकते हैं इसमें लिमिटेड नहीं है और इसको मैं काउंट नहीं कर सकता हूं. इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा इनफाइनाइट. बढ़ते हैं 3rd की तरफ. 3rd क्वेश्चन आप अगर देखें तो उसमें दिया हुआ है 1 2 3, फिर इसमें कॉमा कॉमा लगा, मतलब इससे आगे है, पर आपका ये मतलब नहीं समझिएगा कि यहाँ पे आप इतना ही है 1 2 3 और उसके ज़्यादा. आगे लिमिट लगा दिया गया है 99 और 100, मतलब ये 100 पे स्टॉप हो जा रहा है. इसके बीच में जितने हैं वो हम लोग जानते हैं कि वो फिक्स है, हमको पता है कि 1 से 100 तक नेचुरल नंबर है. तो ओके है, 1 से 100 तक हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, 100 101 है, तो इसलिए ये जो सेट्स है ये क्या है, फाइनाइट सेट है. ओके, फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें जो नंबर्स है नेचुरल नंबर वो काउंटेबल है. हम लोग जानते हैं 1 से 100 तक में कितने नंबर हो गए, 100, तो इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है, 100 इसमें एलिमेंट्स है. फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखें तो फोर्थ में दिया हुआ है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. तो 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं, बहुत सारे हैं. 100 से ग्रेटर 101 भी है, 102 भी है, 103 भी है, 1000 भी है, लैक्स भी है, करोड़ भी है, अरब भी है, बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियंस में जिसमें जाना चाहते हैं. इसलिए ये भी जो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा क्योंकि इसमें आप अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, लिस्ट नहीं कर सकते. फिफ्थ आप अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. ओके, ये काउंटेबल है, 99 से कम वाले जो प्राइम नंबर है वो हम लोग काउंट कर सकते हैं. 2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं. और आप 99 से पहले जो जस्ट पहले होगा वो हो जाएगा आपके पास कौन, 97. तो यहाँ तक आप आ सकते हैं. तो इसीलिए ये जो सेट है ये
एक फाइनाइट सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हम लोग लिस्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में अगेन आपके पास पाँच है और इसमें दिया हुआ है कौन कौन फाइनाइट इनफाइनाइट सेम चीज़ चेक करना है। बोले सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं उसमें ये जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो एक्स एक्सिस है, तो इससे पैरेलल वाले, तो इससे पैरेलल तो बहुत सारे लाइन बन सकते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो इसीलिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सेट है यानी जो लाइंस है जो कि पैरेलल है वो एक्स एक्सिस, उसको लिस्ट नहीं किया सकता, उसको काउंट नहीं किया सकता, इनफाइनाइट है। सेकंड क्वेश्चन आप बढ़े, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो लेटर्स हैं वो हम लोग को पता है ये से स्टार्ट होते हैं और जब तक 26 है, तो इसीलिए इसका काउंट हम लोग कर सकते हैं, ये एक फाइनाइट सेट है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो है वो क्या दिया है, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव, फाइव के मल्टीपल, फाइव के मल्टीपल कौन कौन है आप नहीं बता सकते, फाइव से स्टार्ट होता है लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इसका 10 है, 12 है, 5 है, 10 है, 15 है, ओके 100 भी है, 250 भी है, 250 भी है, ठीक है 2050 भी है, बहुत सारे है। तो इसीलिए थर्ड भी जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ फाइव भी हम लोग लिस्ट नहीं कर सकते हैं कहीं पे, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है। फोर्थ आप क्वेश्चन देखें, तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ओके ये वेल काउंटेड है, हम लोग सेंसस कराते हैं भले ही बहुत सारे हैं लेकिन ये काउंटेड है, लायंस की कितनी संख्या है या रेप्टाइल्स की कितनी संख्या है किसी जानवर का, तो ये काउंटेबल है। हम लोग का भी जो संख्या है पॉपुलेशन का वो हर 10 ईयर पे सेंसस होता है ना, जनगणना जिसमें काउंट करते हैं, उसी तरह से एनिमल्स का भी सेंसस होता है, इसीलिए जो एनिमल्स का संख्या है वो फाइनाइट है, काउंट किया गया फाइव। फिफ्थ अगर आप देखें तो उसमें दिया हुआ है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, ओके हम जानते हैं कि ये जो होता है ओरिजिन कहलाता है, ठीक है जहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इवॉल्व करता है, या आप ऐसे पॉइंट बोल सकते हैं जहाँ पे जो एक्स और वाई है वो दोनों जीरो होता है, तब अगेन यहाँ से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने, इनफाइनाइट। इसलिए फिफ्थ नंबर भी जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट के कैटेगरी में आ जाएगा, इसमें एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट होने वाले हैं, सर्कल जो है वो इनफाइनाइट बनने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन, अगर आप फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी आपको देखना है, अगेन आप मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ए में है ए बी सी डी, ओके और बी में जो है, बी में जो एलिमेंट्स है वो है डी सी बी ए। अगेन अब किसी दो सेट को हम इक्वल बोलते हैं, जब जो एलिमेंट इसमें हो वही एलिमेंट इसमें भी हो दो सेट तब इक्वल कहलाते हैं। तो ए में देखिए ए बी सी डी, इसमें भी कौन है ए बी सी डी, बोलेंगे नहीं डी से स्टार्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप पढ़े होंगे कि सेट में दो चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, पहला चीज़ रिपीटिशन, दूसरा चीज़ क्या ऑर्डर, ऑर्डर से भी कोई इफेक्ट नहीं करता, आप इसको भी ए बी सी डी लिख सकते हैं या इसी को डी सी बी ए लिख सकते हैं। इसलिए ये दोनों सेट आप बोल देंगे कि ए इज इक्वल टू ए बी बिकॉज द सेट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इज द सेम एज एलिमेंट्स इन बी, ए में जो एलिमेंट्स है वही बी में भी है, इसलिए इक्वल हो गया। सेकेंड, सेकेंड आप देख सकते हैं, सेकेंड में दिया हुआ ए में है 4 8 12 16 और बी जो है उसमें कुछ इस तरह से है, बी में है 8 4 16 18, ओके अब आपको थोड़ा आँख तेज रखना है, ऐसा नहीं है कि देखिए 84 हाँ चलो ठीक है 84 16 थी, इसमें भी 84 16 है, हाँ ये दोनों इक्वल हो जाएगा, नहीं है इक्वल, क्यों, क्योंकि इसमें 12 है इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है इसमें 18 नहीं है, इसीलिए ये दोनों सेट्स को हम इक्वल नहीं बोल सकते हैं। अब लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू बी, या इसके उल्टे ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 4 6 8 10 इसके मेंबर है, ओके ये रोस्टर में है, और बी जो है सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया हुआ है, बी में बोल रहा है कि एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो कि लेस देन है या इक्वल टू है 10 से, एक्स दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 10 है, ओके लेस देन इक्वल टू 10 है। अब देखिए लेस देन इक्वल टू 10 इवन इंटीजर, तो इसमें भी यही चीज़ हो जाएगा 2 4 6 8 10, 10 भी इंक्लूड होगा ना क्योंकि इक्वल टू 10 है। अब देखिए ए और बी में एलिमेंट्स मैच कीजिए, यस जो ही जो ए में है वही बी में है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं जो बी में है वही ए में है, इसीलिए ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगर आप देखिए तो इसमें दिया हुआ कि ए सच दैट एक्स इज जो है एक्स कलेक्शन है किस चीज़ का, मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 का मल्टीपल कहाँ से होता है, 10 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट है,
10, 20, 30, 40, जहाँ तक जाना है आपको जा सकते हैं, आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए। ओके, बी जो सेट है इसमें दिया हुआ है 10 से स्टार्ट है लेकिन बीच में 15, 20, 25 और 30 आ रहा है। अब अगेन इसमें वो मल्टीपल्स तो आ रहे हैं, नो डाउट, और ये इनफाइनाइट तक ही चल रहा है। जो इसमें मल्टीपल है वो तो आ रहे हैं लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी कुछ हैं, 15 जो 10 का मल्टीपल नहीं, 25 जो कि 10 का मल्टीपल नहीं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 15 इसमें है इसमें नहीं, इसलिए ये दोनों सेट जो है वो इक्वल नहीं है। ओके, अगर आप कंसेप्ट पढ़े हुए हैं सबसेट का तो हाँ ये सबसेट आप बोल सकते हैं, ये जो है ये सबसेट है बी का। लेकिन अगर आपने पढ़े तो कोई टेंशन नहीं, आप अगर पढ़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसेट है क्योंकि एक सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इक्वालिटी का कंडीशन आप सबसेट में पढ़े होंगे, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तभी कहलाता है। ओके, अगर आप सबसेट का कंसेप्ट में पढ़े हैं तो अभी मैंने जो पिछले 30-40 सेकंड में जो बोला है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसका कोई जरूरत नहीं है। वहाँ भी सबसेट के कंडीशन में इक्वालिटी का आता है इसलिए मैंने वो बता दिया, जिन्होंने पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे, जो नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए कोई चिंता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसके तरफ। अब अगेन जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स है वो दोनों क्वेश्चन भी इक्वालिटी के ही ऊपर है और आपको फिफ्थ में रिजल्ट भी देना है। तो आपका पहला सेट जो ए है इसमें मेंबर है 2, 3, ओके, और बी जो है वो दिया है सॉल्यूशन किसका, एक्स इज दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन, एक्स सॉल्यूशन होने वाला है किसका, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मतलब यहाँ पे आप समझे आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब इसको फैक्टराइजेशन आपका आपको आता ही होगा, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अपना काम बना सकते हो। कैसे करोगे तो एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं 3x और 2x में तोड़ दिए तो आराम से हो सकता है 3x प्लस 2x और प्लस 6। प्रिंसिपल आप जानते ही होंगे कि इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि दोनों पार्ट को जोड़ दे तो बीच वाला ही आ जाए, यानी 3 प्लस 2 5 ही आ जाए, और दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी 3x और 2x यानी 6x स्क्वायर। तो फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है उस दोनों के मल्टीप्लाई यानी 6 इंटू एक्स 6x स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे आ ही गया है तो x आप कॉमन ले लूँ तो x प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 3 आ जाएगा। अब ये भी एक चेक पॉइंट रहता है जहाँ हम लोग को पता चल जाता है हमारा आंसर सही जा रहा है। x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 2, ओके, इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि दोनों 0 है, यानी या तो ये 0 होगा या तो ये 0, या दोनों हो सकता है। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x कितना आ जाएगा माइनस 3, और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 2। या तो इसका आंसर जो आ रहा है बी जो सेट है उसमें कौन कौन एलिमेंट होने वाले हैं, माइनस 2 और माइनस 3। तो इसमें जो एलिमेंट्स होने वाले हैं माइनस 2 माइनस 3। इसमें ए में कौन है, ए में है 2 और 3, तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है, नहीं, साइन का अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। रीज़न क्या दे देंगे, बिकॉज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इज़ नॉट द सेम एज इन बी, और द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी इज नॉट द सेम एज इन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है फिफ्थ का उसके तरफ बढ़ते हैं। उसमें ए है और वो ए लेटर है फॉलो का, फॉलो में एफ होता है, ओ होता है, डबल एल है, एक एल लेंगे, फिर ओ है, नहीं लेंगे, एक बार लिख चुके हैं, एक डब्ल्यू है, ओके। और इसका बी जो सेट है उसमें वुल्फ का है तो इसमें डब्ल्यू लेंगे, यस, ओ लेंगे, यस, एल लेंगे, यस, एफ लेंगे, यस। तो इसमें देखिए जो इसमें है वही इसमें है। अब बोलेंगे नहीं नहीं पहले इसमें एफ से स्टार्ट हो रहा है और ये बी डब्ल्यू से, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इस सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए दोनों सेट जो है वो सेम है। ऑर्डर से क्या होता है, दोनों में एलिमेंट्स जो है वो एक ही है, इसीलिए ये जो है बी के इक्वल है। रीजन यही हो जाएगा, द एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। थर्ड है ही नहीं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपका सिक्स है, वो भी इक्वालिटी पे है और आपको सीधा इसमें दिया हुआ है, आपके पास 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए से एच तक आपके पास कुछ सेट है और उसमें आपको चूज करना है कौन कौन इक्वल सेट है। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। 2, 4, 8, 12, इसको मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आपके पास जो 8 एलिमेंट है उसको मैंने लिस्ट कर दिया। आपको इसमें आपको चूज करना है कौन किसके इक्वल है, इसको चूज करना है, ओके, एकदम सिंपल है। आप देखिए सिक्स में ए में 4 एलिमेंट्स है, पहले 4 एलिमेंट्स वाला चूज कर लिए, इसमें 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 इसमें, अब देखिए काउंट कीजिए तो इसमें 2, 4, 8, 12 है, ऐसा कोई सेट नहीं, इसमें 1, 2, 3, 4 है और इसमें भी 1, 2, 3, 4 है। तो एक तो आपको मिल गया होगा कि बी जो है वो डी के इक्वल है, ओके, क्योंकि जो एलिमेंट्स बी में है वही डी में है इसलिए बी डी के इक्वल है, ओके। इसमें है 2, 4, 8, 12 तो इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है 2, इसमें नहीं है, नहीं तो हो जाता है, 4, 8, 12 तो है लेकिन इसमें 2 है और इसमें 14 है इसलिए ये दोनों नहीं होगा। तो बी और डी इक्वल हो गया, ओके, यानी अब ये 4 वाला हटाइए, अब 2 वाले में हमारे पास 4 सेट है, इसमें चूज करते हैं, ओके। ऐसे ही चूज किया जाता है जब आपको इक्वालिटी चेक करना हो, तो पहले चेक कीजिए जब बहुत सारा सेट्स में चूज करना हो, तो पहले देखिए कौन कौन सेट में कितने कितने एलिमेंट्स है। 4 वाले हैं तो वो पक्का 4 वाले के इक्वल होगा, तो उसके बाद यही कंसेप्ट है इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट सेट, दो सेट का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता है तो उसको इक्विवेलेंट। तो पहले आप इक्विवेलेंट सेट को चूज कीजिए, मतलब वैसे सेट जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे मैंने पहले इस 4 को लिया और देखा उसके बाद 4 मिलाने के बाद मैंने देखा कि कौन कौन एलिमेंट्स मैच कर रहा है, अगर सारे मैच कर रहे तो इक्वल है। अब चलिए इस 4 को देखते हैं, जिसमें -1, 1
हाँ ये रहा, ये भी है माइनस वन वन, ओके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास ई और जी ये भी इक्वल हो गए, और कोई इसमें जीरो ए और इसमें जीरो वन तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। भले ही जीरो है लेकिन इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें वन है, इसमें वन नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों सेट्स को हम इक्वल नहीं बोल सकते हैं। ओके सेट्स के लैंग्वेज में इसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। टू सेट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी टू सेट्स हैविंग सेम कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ओके सेट्स में कौन कौन एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन से या किसी भी बुक से आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई राय देना हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।